नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि योग किसे कहते हैं। योगस चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। जब निरोध अवस्था आ जाएगी तब योग घटित हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने चित्त की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी थी कि मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो चित्त की जो निरुद्ध अवस्था होती है उसमें योग घटित होता है। अब हम अगला सूत्र में जानेंगे कि तीसरा सूत्र कहता है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा अर्थात उस समय, उस समय अर्थात किस समय? निरोध के समय। अपन ने पढ़ा था कि जब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा निरोधावस्था में, उस समय जो दृष्टु होता है, दृष्टु अथवा पुरुष या कहें आत्मा, निरोध काल में जो पुरुष होता है, जो आत्मा होती है, वह अपने स्वरूप में स्थित होती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। कब? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है उस समय पुरुष अर्थात आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होती है, स्थित होती है। अगले सूत्र में कहा जाता है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अभी तो निरोध अवस्था थी तब आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित थी, पर जब व्युत्थान की अवस्था थी, जब व्युत्थान की अवस्था थी, जब हलचल की अवस्था थी, जब चित्त एकाग्र नहीं था, उस समय कैसी अवस्था होती है पुरुष की? तो जो पुरुष होता है, जो दृष्टा होता है, जो आत्मा होती है, जिस प्रकार की वृत्ति चित्त पर बनी रहती है उसी प्रकार वह प्रतीत होता है, उसी प्रकार वह अपने स्वरूप को कर लेता है। तो वृत्ति सारूप्य मित्र रत्र, उसकी अवस्था वृत्ति के सारूप्य बन जाती है। जिस प्रकार की चित्त में वृत्ति होती है पुरुष अपने आप को वैसा ही समझने लगता है। इसके बाद कहा जाता है कि जो वृत्तियाँ होती हैं, जो चित्त में वृत्तियाँ मानी गई हैं, वह पांच प्रकार की मानी गई हैं। वृत्तय पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, पाँच प्रकार की वृत्तियाँ मानी गई हैं, जो कि कैसी होती हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। प्रत्येक वृत्ति क्लिष्ट अक्लिष्ट दो भागों में बांटी गई है। क्लिष्ट वृत्तियाँ वे वृत्तियाँ होती हैं जो योग मार्ग में विघ्न के रूप में सामने आती है, अविद्या आदि क्लेशों को जनित करती है, जो हमें योग से दूर करती हैं। वे जो वृत्तियाँ होती हैं वह क्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं, और वे जो योग मार्ग के लिए हमें सहायक होती हैं वे वृत्तियाँ हमारी अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं। तो महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं कि पहले अक्लिष्ट वृत्तियों के माध्यम से क्लिष्ट वृत्तियों को दूर करना चाहिए। जो क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं वे सत्व प्रधान होती हैं, सत्व गुण उसमें विद्यमान रहता है, और जो क्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं वह तम प्रधान रहती हैं। तो सर्वप्रथम अक्लिष्ट वृत्तियों के माध्यम से क्लिष्ट वृत्तियों का निवारण करें, और अंत में अक्लिष्ट वृत्तियों का भी को भी हमको दूर करना है, क्योंकि निरोध अवस्था में ही हम योग को प्राप्त होंगे। उस समय चित्त में कोई भी वृत्ति, चाहे वह क्लिष्ट हो चाहे वह अक्लिष्ट हो, दोनों वृत्तियाँ उपस्थित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो वृत्तियाँ, वृत्तय पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, पांच प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, और प्रत्येक वृत्ति दो प्रकार की क्लिष्ट अक्लिष्ट होती हैं, इन दोनों का निवारण हमको करना है। अगले सूत्र में बताया गया है कि ये जो पांच वृत्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। पाँच प्रकार की वृत्तियाँ बता दी। पहली बताई प्रमाण, जो कि होती है यथार्थ ज्ञान। दूसरी विपर्यय ज्ञान, जिसे मिथ्या। तीसरी विकल्प, मतलब पूर्णतः काल्पनिक। चौथी नींद, और पांचवी याद। ये सारी जो हैं वो पांच प्रकार की वृत्तियां हैं, ठीक है। और ये जो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति है, ये अपने अपने तौर पे अगले आगे जाकर के सूत्रों में विभाजित की गई हैं। तो अगले वीडियो में हम अलग अलग इनकी चर्चा ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, योग दर्शन से जुड़े हुए जो भी आपकी समस्या हो, प्रश्न हो, वे सभी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, योग से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पे हम UGC NET की तैयारी भी करेंगे, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।